हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हिजाबी गर्ल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज इस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं, वो है यूट्यूब पे अपना चैनल कैसे बनाया जाए, हाउ टू ग्रो योर चैनल यूट्यूब। तो आज के दौर में यूट्यूब पे हर कोई चैनल बनाना चाहता है, वहाँ से फेम कमाना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है, लेकिन सही तरीका क्या है अपने चैनल को जो है आगे लेके आने का, व्यूज़ बढ़ाने का, सब्सक्राइबर बढ़ाने का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। जैसे कि बहुत से लोग इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं और वीडियोस बना रहे हैं, और आप देखते हैं उनकी वीडियोस को, उनको तो व्यूज़ मिल जाता है लेकिन आपको जो है सही गाइडलाइन नहीं मिलती। तो जो वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मैं खुद भी उनको फॉलो कर रही हूँ और उनकी वीडियोज़ से बहुत कुछ सीख रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी जो नए बनाने वाले हैं चैनल, वो उनकी वीडियो देखें और उसके हिसाब से जो है, जो गलतियां हमसे हो गई हैं, जो मैंने की हैं, मैं वो दोबारा ना करूं, तो उसके लिए मुझे सीखना भी पड़ेगा। और आप लोग भी उनके चैनल को देखें। आज जो है मेरी वीडियो में, मैं उन्हीं की वीडियो पे रिएक्शन वीडियो बना रही हूँ। वीडियो के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो है थंबनेल, टाइटल और डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आप सोचेंगे ये कैसे ज़रूरी है, तो जो आप वीडियो आपने डाली है यूट्यूब पे चैनल पे अपने, उसका जो है थंबनेल जो है वो आपकी वीडियो से रिलेट कर रहा है क्या? आपका टाइटल जो है वो आपकी वीडियो को रिप्रेजेंट कर रहा है? और आपने अपनी प्रीवियस वीडियो की जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके मौजूद है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं, ये सारी चीज़ें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो है अब हम आपके साथ वो वीडियो शेयर करेंगे जो कि मैंने खुद भी देखी है और मुझे बहुत ही अच्छी लगी है, यूजफुल लगी है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी जरूर शेयर करूँ। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं। आज की डेट में YouTube एक ऐसी जगह बन गई जहाँ हर कोई ग्रो करके या तो फेम या पैसे कमाना चाहता है। पर क्या सबका चैनल ग्रो हो पाता है? बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज क्रिएटर्स ही इतने सारे हैं यार कि एक बार को तुम डिसेंट कंटेंट बनाना सीख भी जाओ तो भी वो शुरू के 100 या 1000 व्यूज नहीं आ पाते हैं। सो इस वीडियो में तुम्हें जीरो से व्यूज लाने का तरीका तो बताऊंगा ही, आई विल ऑल्सो टेल यू टू थिंग्स जिससे तुम लॉन्ग टर्म में ग्रो करने वाले हो, चाहे कॉम्पिटिशन कितना ही हो, प्रॉमिस। अब देखो, YouTube एक काफ़ी लंबा गेम है, तुम्हें यहाँ काफ़ी कुछ सीखना पड़ेगा। अपनी एडिटिंग स्किल्स, ग्राफिक डिजाइन स्किल्स, बोलने का तरीका एंड बहुत कुछ इम्प्रूव एंड अडेप्ट करना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली ऑल दिस टेक्स अ होल लॉट ऑफ टाइम। ऐसे में दो चीज़ें हैं, जब तक तुम्हें थोड़ी ऑडियंस नहीं मिलती है तुम्हें वो ग्रोथ की फीलिंग नहीं आएगी। जीरो व्यूज देख कर यूल फील कि यार मैं वीडियोज डाल किसके ले रहा हूँ, और फिर थोड़ा बहुत फीडबैक भी तो चाहिए ही ना भाई। ऐसे में मैं तुम्हें एक मस्त सी ट्रिक बताता हूँ जैसे यू कैन इजिली गेट योर फर्स्ट 100 और इवन 1000 सब्सक्राइबर्स फॉर दैट मैटर, एंड दैट इज शेयरिंग योर वीडियोस। पर एलग्रो, तूने ही तो वीडियो डाली थी ना कि डोंट शेयर योर वीडियोस। हाँ बिल्कुल, ऐसा कहने वाला भी मैं ही था। बिकॉज वन, शेयर करने का एक तरीका होता है जो कि मैं भी तुम्हें बताने वाला हूँ। एंड टू, इस बात को अच्छे से याद रखना कि जो 100 सब्सक्राइबर्स आने वाले हैं ये ऑर्गेनिक नहीं होंगे, बेसिकली ये तुम्हें ग्रोथ का इल्यूजन दे सकते हैं, तो इससे बचकर रहना। विद ऑल दैट सेट, तुम्हें अपनी वीडियोस को ना ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ना ही अपने घर वालों के साथ शेयर करना है, और ना ही रिश्तेदारों के साथ। बिकॉज यूट्यूब पर व्यूज एक चीज है, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोग तुम्हारी वीडियोस को कितनी देर तक देखते हैं। एंड ये सभी लोग चाहते या ना चाहते हुए वीडियो पूरा देखेंगे ही नहीं। तुम्हारे मामा को क्या पता है माइनक्राफ्ट क्या है, ये पट से हेडशॉट क्या होता है। बाकी अगर तुम्हारे मामा भी प्लेयर हो तो कर देना भाई शेयर। बिकॉज जो भी हो शेयर करो, बट विद द राइट ऑडियंस। ऐसी ऑडियंस जिसे तुम्हारे कॉन्टेंट में इंटरेस्ट हो एंड उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज जरूर हो। तुम ऐसे लोगों को इंस्टाग्राम पर ढूंढ सकते हो एंड फिर उन्हें डीएम्स कर सकते हो। यू कैन ज्वाइन फेसबुक ग्रुप्स, आजकल तो रेडिट और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स भी आ रखे हैं। एंड ऐसा करके तुम काफी आराम से 2-3 दिन में अपने 100 सब्सक्राइबर्स पूरे कर सकते हो। एंड ये बात मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, पर्सनली ये चीज मैं 3 चैनल्स पर कर चुका हूँ। बट अगर तुम सिंपली लोगों को डीएम्स में जाकर अपनी वीडियोस के लिंक शेयर करते हो या यूट्यूब कमेंट्स में स्पैम करते हो, 100 सब्सक्राइबर्स का तो भूल ही जाओ, इंस्टाग्राम तुम्हें बैन कर देगा एंड ये यूट्यूब की पॉलिसीज के भी अगेंस्ट है। तो यूट्यूब पर तो स्पैम करना ही मत। रही बात इंस्टाग्राम की, तो तुम्हें थोड़ी ह्यूमन अप्रोच लेनी पड़ेगी। इसके बारे में डिटेल मैंने पहले इस वीडियो में बताया था, तो बाद में देख लेना, बट ध्यान से सुनो, डू नॉट स्पैम। ऐसे ही एक और काफी इंपॉर्टेंट चीज है, जब तुम लोगों को अपने चैनल के बारे में बताओगे काफी लोग कहेंगे भाई सब और सब कर ले, मैं तेरा चैनल सब्सक्राइब करता हूँ तू मेरा कर ले। क्लियरली मना करना है ऐसे लोगों को, ना स्पैम करना ना सब फॉर सब। यू नीड जेन्युइन पीपल जो कि तुम्हारी वीडियोस देखे, बट क्योंकि शुरू में तुम्हारा कंटेंट उतना तगड़ा नहीं होगा तो एटलीस्ट कुछ फीडबैक तो देना यार। 2-3 वीडियोस ना सही, तुम्हारी एक वीडियो को 5 मिनट के लिए देखकर तुम्हें थोड़ा फीडबैक देते वो भी काफी होता है। अब ये सब करके तुम्हें एक इनिशियल किक तो मिल जाएगी, तुम्हें थोड़ा फीडबैक भी मिल जाएगा, बट लॉन्ग टर्म में स्ट्रेटेजी काम नहीं आने वाली है। एंड ऐसे में बात करते हैं दो चीजों की जो कि तुम्हें लॉन्ग टर्म में ग्रो करवाने वाली है, चाहे फिर कॉम्पिटिशन कितना ही क्यों ना। सो स्ट्रेट टू पॉइंट नंबर 2,
इसमें पॉइंट नंबर 3 तो गेम चेंजर होने वाला है, बट उससे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। अगर तुम मुझसे कभी पूछते हो ना कि एक सक्सेसफुल और फेल्ड यूट्यूबर में क्या फर्क होता है, तो मेरा जवाब होगा काफी कुछ, बट एक मेन चीज है दोनों का एटीट्यूड टुवर्ड्स यूट्यूब। जहां सक्सेसफुल बंडी का एटीट्यूड था कि वो तो चैनल ग्रो करके ही रहेगा, हाँ हो सकता है 3 महीने लगे, 6 महीने लगे, शायद 3 साल लग जाए, बट वो चीजों को सीखेगा एंड ग्रो करके ही रहेगा। वहीं फेलियर बंडी सोचेगा क्या फालतू प्लेटफॉर्म है, कॉम्पिटिशन देखा है कितना है, ऊपर से फालतू वीडियोज पर व्यूज आ जाते हैं, मेरी इतनी अच्छी वीडियोज है इन पर व्यूज क्यों नहीं आते हैं। फिर ये चीजें शायद सुनने में उतनी मजेदार नहीं लगती है, बट तुम्हारी डोमिनेंट बिलीफ काफी हद तक डिसाइड करने वाली है कि तुम ग्रोथ वाले फेज से पहले के खाली फेज को झेल पाते हो या नहीं। मोस्ट यूट्यूबर्स फेल नॉट बिकॉज दे फेल बट बिकॉज दे क्विट। इससे बचने के लिए तुम अपनी डोमिनेंट बिलीफ पर काम कर सकते हो, एंड इसके लिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा एटीट्यूड इज एवरीथिंग। चाहो तो तुम इसे पढ़ सकते हो या मन करे तो कुकू FM पर सुन भी सकते हो। तुम्हें सिंपली कुकू FM ओपन करके एटीट्यूड इज एवरीथिंग सर्च करना है, बस फिर आराम से सुनना एंड अप्लाई करना। चाहो तो तुम मेरी तरह इस बुक को 3x में भी सुन सकते हो। इसके अलावा भी कुकू FM पर काफी सारी ऑडियो बुक्स, बायोग्राफीज एंड इवन बुक समरीज भी अवेलेबल है। आगे बंद करना, सुनना एंड ग्रो करना। एंड इसका प्राइस कितना है, वैसे तो तुम इसे पूरे साल के लिए सिर्फ 399 में ले सकते हो, बट एलग्रो की ऑडियंस से जो पहले 250 लोग कूपन कोड AG50 को यूज करते हैं, उनके लिए प्राइस लिटरली आधा हो जाएगा, यानी एक दिन के 1 रुपए से भी कम। तो वेट मत करो, इससे पहले 250 लोग ऑलरेडी साइन अप कर लें, जाओ मस्त नॉलेज लेना शुरू कर दो। बाकी फिलहाल बात करते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 3 की। जब तुम्हें अपना न्यू चैनल ग्रो करना होता है तो तुम्हें 2 चीजों की जरूरत होती है। शुरू में तो मैं कहूंगा भाड़ में गया एल्गोरिथम, भाड़ में गई तुम्हारी नीश और भाड़ में गए व्यूज और सब्सक्राइबर्स। शुरू में बस वीडियोस बनाओ, कैसी भी कुछ भी बस बनाओ, कैमरे से बात करना सीखो, आवाज को बढ़िया बनाओ, ट्राई करो टू राइट योर फर्स्ट ओन स्क्रिप्ट, देखो यूट्यूब में रिसर्च कैसे होती है। बेसिकली पानी तो है नहीं कि इसमें कूदने से पहले तैरना सीखना होगा, यहाँ तो बस कूद जाओ, तैरना तभी आएगा। एंड जब तुम 5, 10 या 15 वीडियोस तक अपने हाथ पांव इधर उधर मार चुके होगे, उसके बाद बारी आएगी रियल में ऑडियंस को अट्रैक्ट करने की, उनके लिए कंटेंट बनाने की एंड ग्रो करने की। एंड इसके 2 तरीके हैं। 1, तुम ट्यूटोरियल टाइप कंटेंट बना सकते हो, जहाँ तुम सिंपली लोगों की प्रॉब्लम्स ढूंढोगे एंड उन पर वीडियोस बना दोगे। लाइक तुम्हें लोगों को वैल्यू देनी है तो फाइंड आउट उन्हें क्या चाहिए। क्या तुम उन्हें पानी पीना सिखा सकते हो या मे बी चलना सिखा सकते हो। क्या तुम अपनी ऑडियंस को आलू का हलवा बनाना सिखा सकते हो या मे बी आलू के हलवे को कैसे खाते हैं ये सिखा सकते हो। बेसिकली अपनी ऑडियंस को कुछ ना कुछ वैल्यू दो इन फॉर्म ऑफ ट्यूटोरियल्स या इंटरेस्टिंग वीडियोस। दूसरा तरीका थोड़ा ट्रिकी बट काफी इंटरेस्टिंग है। तुम अपनी वीडियोस अपने अराउंड बना सकते हो, व्हाट यू डू, हाउ यू डू एंड स्टफ। लेट्स से तुम IIT की तैयारी कर रहे हो, तो भाई IIT की तैयारी करो ना, यूट्यूब क्यों देख रहे हो। मजाक था, नाराज ना होना। बाकी ऑन अ सीरियस नोट, ऐसे में तुम सिंपली अपनी IIT की प्रिपरेशन को डॉक्यूमेंट कर सकते हो। तुम कौन सी बुक्स पढ़ते हो, तुम्हारा शेड्यूल क्या है, तुम कब और कितना पढ़ते हो, तुम कौन सी कोचिंग जाते हो, तुम IIT की तैयारी कर ही क्यों रहे हो, तुम IIT में क्यों जाना चाहते हो एंड अ लॉट मोर। एंड ऐसे ही तुम्हारे जैसे लोग तुम्हारे साथ जुड़ते जाएंगे। बट ऑब्वियसली IIT की तैयारी कर रहे हो तो YouTube के चक्कर में उसे खराब ना कर लेना, हॉबी की तरह शुरू कर सकते हो, बाकी समय पर छोड़ देना। जो भी हो, ये 3 पॉइंट्स तो काफी इंपॉर्टेंट है ही, बट 7 और ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि तुम्हें 2022 में वायरल जाने में हेल्प करेंगे। सबको पर्सनली यूज कर चुका हूँ एंड इसीलिए लेफ्ट वाली वीडियो में बताया, तो क्लिक करो एंड देख लो। तो देखा आप लोगों ने कितनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, किस तरह अपने चैनल को जो है हम ग्रो कर सकते हैं, किस तरह हम अपनी जो है व्यूज बढ़ा सकते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे जरूरी ये भी है कि आप अपना जो आप बना रहे हैं वीडियोस, आप बनाते रहें, आप रुके नहीं। कि अगर आप ये सोचें कि भाई मेरे पास व्यूज नहीं आ गए, सब्सक्राइबर नहीं आ गए, तो मेरा कंटेंट लोगों को पसंद नहीं आगा, लेकिन आप बनाते रहें, क्योंकि जो एक आज आपने गलती की है जरूरी तो नहीं कि आप रोज करें, कल आप कुछ और सीखेंगे, कुछ अच्छा बनाएंगे और एक टाइम आएगा कि आपके पास जो है व्यूज भी आ जाएंगे, सब्सक्राइबर भी आ जाएंगे, अपने कंटेंट को जो है वो अच्छा बनाते जाएं और सीखते रहें, सीखना ना छोड़ें कभी भी, तो आपका चैनल ज़रूर आगे बढ़ेगा। मैं भी सीख रही हूँ, मुझे भी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को स्टार्ट से लेकर अंत तक ज़रूर देखा करें, मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं कि मैं किस चीज़ का जो है रिएक्शन वीडियो बनाया करूँ। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।